जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपके जहन में घुस जाए और फिर इन प्रश्नों में करने में कभी आपको दिक्कत ना हो। ऐसे प्रश्न करने में आप हमेशा टाइम लगा देते हैं, तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाले जिससे कि आप बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे अगर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज का ये क्लास। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर यहाँ पर 25 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्याओं का योग, यहाँ पर मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक है x और एक है y, तो दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया गया है यहाँ पर 75 है ना, और दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, वो कितना दिया गया है 25। ठीक है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, विलोपन लगाएंगे या फिर प्रतिस्थापन लगाएंगे, तो वहाँ पर टाइम लगेगा। देखिएगा अगर दो संख्याएं हैं और प्लस किया गया है और माइनस किया गया है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर x और x देखिए दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर x को निकालना है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ के दो से भाग कर दीजिए। x अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के इधर वालों को और दो से भाग कर दीजिए, तो 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100, इसको बटे दो करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 50। x का वैल्यू डायरेक्टली आ गया यहाँ पर। और अगर माइनस निकालना है यानी माइनस निगेटिव वाला संख्या निकालना है हमको, यानी माइनस y निकालना है, तो इन दोनों को घटाकर दो से भाग दे दीजिए, तो इन दोनों को घटाएंगे यानी 75 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इसको दो से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। यानी एक संख्या 50 होगा, दूसरा संख्या 25 होगा, इसको आप कर दीजिए गुणा, यानी दोनों संख्याओं गुणनफल ही तो पूछ रहा है, तो गुणा कर दीजिए, यानी 50 गुणे कितना यहाँ पर 50 है ना, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 25 दोनों संख्याओं का, तो 25 दूना 50 है ना, 25 दूना कितना हो जाएगा, 125 है ना, 25 और ये 0 यानी 1250 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली यहाँ पर बस इसको लिखिए, एक्स का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के दो से भाग, वाई का मान निकालना है दोनों घटा के वाई से भाग, वो दोनों गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, इसको ना ये बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप पक्का है कि टाइम लगा देंगे, एक मिनट से ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। इसका छोटा सा ट्रिक है, हम आपको बताएंगे जिससे ये दो सेकंड में आंसर बता देंगे, इसको देख कर सिर्फ आप बता सकते हैं। देखिए क्या दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, 80 है, दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास एक्स और वाई हैं, इन दोनों का योग कितना दिया है, 80 दिया गया है। ठीक है, उनका अंतर कितना दिया गया है, इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया गया है, x माइनस वाई हमारे पास यहाँ पर दिया है 20, तो पूछ रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, वर्गों का अंतर, x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 और गुड़े x माइनस वाई का वैल्यू 20, 8 दूना 1600 आ जाएगा, तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1600 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हो गया, बस दोनों को गुणा कर देना था, लेकिन वहीं पर अगर आप बेसिक मेथड से करते तो टाइम लगता। कैसे करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले तो आप x और y का वैल्यू निकालेंगे है ना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के दो से भाग, तो 80 और 20 कितना हुआ, 100 हो गया, 100 में बटे दो करेंगे तो 50 आएगा, फिर y निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, दोनों को घटा के दो से भाग, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा 60, 60 बटे दो करेंगे यानी हमारा 30 आया, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस करेंगे इसमें 30 का स्क्वायर,
देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 = 2500 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, फिर इसमें घटाएंगे तो वही ना आया 1600 आया, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो ये भी आंसर है, ये भी हमारा आंसर ही है, लेकिन इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो बड़ी जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्या ट्रिक यहाँ पर लग रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर x है, यह x जो है कितनी बड़ी है, 31 से उतनी ही छोटी है, तो 31 से छोटी का क्या मतलब है कि x जो है बड़ा है तो उसमें हम घटाएंगे ना 31, भाई 31 से बड़ा है, 31 से उतना ही बड़ा है, 31 से बड़ा, तो 31 से बड़ा का क्या मतलब है, यहाँ पर 31 इसमें घटा देंगे, उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो 75 से छोटी क्या मतलब है, 75 में से उस संख्या को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। कह रहा है उसमें कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, तो 75 से छोटी कर दिए, है ना, और 31 से बड़ी, तो बड़ी का क्या मतलब है, उसमें 31 घटाएंगे ना, प्लस मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x को इधर ले आएंगे तो x प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 31 उधर जाके प्लस 31 हो जाएगा, यानी 75 प्लस 31, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 2x, और इधर जोड़ देंगे तो 5 × 6 और 7 × 3 = 10 हो जाएगा, यानी 106। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 106 बटे का कितना 2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 53, है ना। तो यहाँ पर जो वो संख्या होगी वो क्या होगी, 53 होगी, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। वीडियो में अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए देखिएगा, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है यहाँ पर, ये दिया गया है 168। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखिएगा हम इसको तरीका बताते हैं। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, है ना, जैसे 5-6 हो गया लगातार, दो संख्याएं 12-13 हो गया, है ना, 22-23 हो गया, ऐसे। तो दो सतत सम संख्याओं का मतलब क्या है, यहाँ पर सम संख्याएं, है ना, सतत संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि दो लगातार, सतत सम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 और 4 हो गया, 6 और 8 हो गया, है ना, 12 और 14 हो गए, ऐसे करके सम संख्याओं, सतत यानी लगातार सम संख्याएं, तो उनका गुणनफल बोल रहा है कि 168 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आप करेंगे तो इसको टाइम लग जाएगा, इसमें बेसिक तरीके से अगर आप करते हैं तो। तरीका देखिए क्या करना है, इस 168 को पहले तो गुणन खंडित कर लीजिए, 168 को अगर हम तोड़ दें, ठीक है, 168 को क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं, 2 से काटिए, यहाँ पर 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, है ना, फिर 2 से काटिए तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटिए 21 × 2 = 42, है ना, फिर 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, फिर यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इन सब को गुणा करके दो ऐसे संख्याएं बनानी हैं जो कि सम भी हो और लगातार भी हो। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर इस तीनों का गुणा करते हैं तो 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएगा, तो एक संख्या 8, और इन दोनों का गुणा करेंगे 7 × 3 = 21 आ गया, हमारा विषम संख्या आ गया, तो इनका गुणा तो नहीं होगा, ठीक है। और देखिए और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दें और इसका गुणा इसके साथ कर दें तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना हो जाएगा 12, और बाकी जो दो बचे हैं 2 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 12 और 14, है ना, 12 और 14। तो देख लीजिए, सभी का गुणा करने पर तो 168 आएगा ही, 12 और 14 का गुणा करने पर भी 168 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन इसमें पूछ रहा है वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि ये सतत भी हैं 12 14 और सम संख्याएं भी हैं, सतत सम संख्याएं 12 14, उसके बाद सतत कौन आता, लगातार 16 आ जाता, तो 12 और 14 का गुणा करने पर कितना आएगा, 168 आएगा, और यही दोनों संख्याएँ होंगी
तब पूछ रहा है संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 12 और 14 का योगफल पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो अगर आप ये गुणनखंड करने वाला तरीका लगाते हैं तो आप आसानी से इसको कम समय में कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा अंक लगातार 5 प्राप्त अंक जो हैं वो लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर 5 उम्मीदवार हैं, है ना, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 5 खाने। 5 उम्मीदवार हैं लगातार, जो उनके अंक हैं वो कैसे मिले हैं, 5 विषम पूर्णांक है, लगातार 5 विषम पूर्णांक। तो लगातार 5 विषम पूर्णांक जैसे हो गया क्या क्या, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, ये लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं कि नहीं, लगातार यानी कंटिन्यू, एक के बाद एक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो ऐसे ही उनके द्वारा अंक प्राप्त किया गया है, सभी अंकों का योग कितना है, 185 है, ये पांचों के पांचों अंक मिलाकर टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर है ना, टोटल कितना है, 185 अंक है। यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक से आप इसको 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे, है ना। तो कुल अंक कितना है, 185, तो उच्चतम अंक क्या होगा, यानी सबसे बड़ा वाला अंक कौन सा मिला होगा उन 5 उम्मीदवारों में से किसको। अब इसका करने का तरीका ये है कि इसमें कितने हैं, 5 है ना, तो आप इस टोटल को 5 से डिवाइड कर दीजिए। इस टोटल को जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 × 3 = 15, बचा कितना, 3, 5 × 7 हो जाएगा 35, ठीक है। क्या किए, फिर से देखिए, जो भी योग दिया था पांचों का योग, उसको हम क्या किए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितने ये हैं उतने से हम डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 5 × 3 = 15, 18 में से 15 गया 3, तो ये 35 हो गया, 5 × 7 = 35, यानी 70 आ गया। अब ये जो संख्या मिला है हमको, ये हमारा बीच वाला है, तो बीच कहाँ है हमारा, यहाँ पर है 37। अब विषम पूर्णांक है, लगातार विषम पूर्णांक, तो इसके आगे जाएंगे तो विषम पूर्णांक हमको कौन सा मिलेगा, 39 मिलेगा, 37 के बाद 39, 39 के बाद कौन सा मिलेगा, 41 मिलेगा। इससे पहले आएंगे तो 37 से पहले कौन सा मिलेगा, 35 मिलेगा, और 35 से भी पहले कौन सा मिलेगा, 33 मिलेगा। यानी यही 5 विषम पूर्णांक होंगे जिनका योग करने पर आपको 185 मिलेगा, और ये लगातार विषम पूर्णांक भी हैं। तो यहाँ पर उच्चतम संख्या कौन सी है, उच्चतम अंक कौन सा है, 41 है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ट्रिक वाला मेथड, है ना, कौन सा हो गया, ट्रिक वाला मेथड। अब यहाँ पर हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिएगा बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, बेसिक इसका देख लीजिए, है ना, हर एक चीज़ को गौर से समझते जाइएगा, बेसिक तरीका है ना। 5 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए पहला कितना पाया, x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2-2 का अंतर चल रहा है, विषम संख्या है ना, तो 2-2 का अंतर चलेगा, तो पहला विषम संख्या कौन सा है, x है, तो दूसरा अगला वाला विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला विषम संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला विषम संख्या x प्लस 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला विषम संख्या x प्लस 8 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर, इन सभी को जोड़ देंगे अगर, तो सभी के अंकों का योग कितना है, 185 है, यहाँ पर कह रहा है। बस इनको जोड़ के आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और मैक्सिमम कौन सा होगा, x प्लस 8 हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो x है, तो ये हो गया 5x प्लस 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8 कितना हो गया, 20 हो गया, बराबर इधर क्या है, 185। बस यहाँ पर 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 185, और इस 20 को उधर ले जाइए, घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 बटे, इस 5 को इधर ले जाइए तो बटे में हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो 5 × 3 = 15, 1 बचा, 5 × 3 = 15, 33 आ गया। x का वैल्यू कितना आया, 33 आया। तो अधिकतम जो संख्या थी, उच्चतम संख्या, वो x प्लस 8 थी, तो यहाँ पर 33 + 8, 8 × 3 = 11, यानी 41 हो गया। तो उच्चतम संख्या कौन सी होगी, 41, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको बेसिक मेथड से लगा सकते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है
चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। अब पिछला वाला ट्रिक लगाकर आप इसको भी कर पाएंगे, है ना, उसी ट्रिक से, या फिर बेसिक मेथड लगाकर भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए कैसे करना है, चार लगातार विषम संख्याओं का योग, चार लगातार विषम संख्याएं हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, उसका योग कितना दिया है 328, तो इस 328 को चार से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चार से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 328 को योग कितना दिया है 328 ना, तो टोटल को हम चार से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चार से जब डिवाइड करेंगे तो चार अट्ठे बत्तीस, है ना, चार अट्ठे बत्तीस और चार दूना आठ यानी 82 आ गया। अब ये 82 हमारा क्या है, सम संख्या है, है ना, क्या है ये, सम संख्या है, लेकिन हमको विषम संख्या चाहिए, विषम संख्याओं का योग बोल रहा है। तो ये जो 82 आया है ना, वो बीच का संख्या आया है, यहाँ पर जो संख्या है वो 82 आया है, ठीक है। हमेशा जब भी भाग करते हैं तो बीच वाला आता है। अब इसके पहले जो हमारा क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा, तो इसके पहले जो विषम संख्या होगा वो 81 होगा, इसके बाद जो विषम संख्या होगा वो कौन सा होगा, 83 होगा, फिर इसके बाद जो विषम संख्या होगा कौन सा होगा, 85 होगा, है ना, 85 होगा, विषम संख्या की बात हो रही। इसके पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 79 होगी, तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 85 है, मार दीजिए आंसर यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा के आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं नंबर सिस्टम के, और इनको करने के लिए हम आपको बहुत ही कम समय वाला शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, ऐसा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो इनको 2 से 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों को बना पाएंगे आप, ठीक है। और ये आपको हेल्प करेगा कहाँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।